दोस्तों, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं इस पार्ट में सेक्शन 142 से स्टार्टिंग। इसके बाद भी दो टॉपिक हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल 142 से स्टार्टिंग करते हैं, जिसका नाम है ऑडिटर रेमुनरेशन। कि भैया, ऑडिटर को रेमुनरेशन कैसे मिलेगा? तो सर, याद रखो, प्यार मोहब्बत में पैसे नहीं मिलते। प्यार मोहब्बत ही होता है ना, 143 आई लव यू, 143 आई लव यू में प्यार मोहब्बत में पैसे नहीं मिलते, इसका याद रखो। तो ऑडिटर क्या बोलता है मैनेजमेंट से, बोलता है भैया मुझे प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम दो। तो 143 में उसने कहा मुझे थोड़ा सा कम दो, तो ऑडिटर ने अपना एक पोर्शन कम कर दिया, तो उसका कितना बच गया, 142। तो 142 क्या है, ऑडिटर रेमुनरेशन क्या है, कि भैया हमें हमारा पैसा दे दो भाई साहब, हमारा भी छोटा छोटा बच्चा है, कैसे मिलेगा। सर, एक चीज याद रखो, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि भैया ऑडिटर एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। सीए है, प्लस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया का, तो भैया इसकी रिस्पेक्ट तो सब लोग करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो भी रेमुनेशन फिक्स होनी है, वो एक चार दीवारी में हो तो बेहतर है। चार दीवारी, अभी तिवारी नहीं लिख रहे हैं, दीवारी। चार दीवारी इन द सेंस, चार वॉल्स के अंदर ही इसका काम सेटल हो जाए तो ठीक है। तो ओवरऑल ये चार दीवारी के बीच में कौन कौन होना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए और ऑडिटर होना चाहिए। चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो, मेरी बात सुनो, जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर होता है, इसकी तो रेम्यूनेशन की भैया इसे क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर देते हैं। वैसे नॉर्मल केसेस में जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, या फिर लॉ कहता है इन सच मैनर। इन सच मैनर मतलब इन तरीकों से, एज मे बी डिटरमाइंड देयर इन, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं ऑडिटर की रेम्यूनेशन देने के या फिर उसे डिसाइड करने के। लेकिन लॉजिक यहाँ पे क्या आके बनता है, जो मेन लाइन है वो आपकी ये बनती है कि भैया रेम्यूनेशन का डेलीगेशन किया जाता है। रेम्यूनेशन जो डिसाइड करनी है, इसका डेलीगेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब मैंने आपको पार्ट थ्री सॉरी ऑडिट वर्किंग पेपर में भी बताया था कि अगर हमारे पास वर्किंग पेपर होंगे तो हम अपने वर्क का डेलीगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेलीगेशन कर सकते हैं। ये वर्ड मैंने आपको वहां भी सिखाया था। डेलीगेशन का मतलब होता है कि हम अपने काम को किसी और को सौंप रहे हैं। तो जो लॉ है, लॉ मेकर है, वो ये कहता है कि भैया हम जो रेमुनरेशन फिक्स करने का काम है, ये हम डेलीगेशन देते हैं। डेलीगेशन मतलब काम सौंप रहे हैं किसको, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लें ऑडिटर के साथ, कहाँ बैठ के, चार दीवारी में, और गाना गाए चार बोतल वोर्ड का, काम ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोज का, 142 खेलेंगे और देंगे तुमको रेमुनरेशन। ठीक है, तो ये वाली बात आपको दिमाग में रखनी है। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसमें ये आता है कि रेमुनरेशन में क्या क्या हो सकता है। तो भैया ऑडिटर साहब ने जो भी वर्क किया है, ऑडिट वर्क, उसके पैसे मिलेंगे। भाई साहब ऑडिट के जो एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी में आके जो भी उन्हें खर्चा करना पड़ रहा है आपके काम को ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए, वो आपको देना पड़ेगा। और कोई भी फैसिलिटी दी जाएगी, और कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ऑडिटर को, टू ऑडिटर, तो उसे भी आप क्या करेंगे, रेमुनरेशन में काउंट करेंगे। ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है। अगर ये और कोई सर्विस है, अदर सर्विस है, तो वो आप रेमुनरेशन में काउंट नहीं करेंगे। चलिए जरा देखते हैं कि क्या कहते हैं हमारे भाई साहब। देखिए सर, एक छोटा सा पैराग्राफ है, 142 का कहता है जनरल मीटिंग में डिसाइड हो जाता है, और एस मे बी डिटरमाइंड देयर इन, जो भी मैंने कहा इन सच ए मैनर, दूसरे तरीके से, या तो जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा या तो कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू ऑडिटर की रेमुनरेशन को फिक्स किया जाए। फिर ये जो बोर्ड है, हम उस पर काम सौंप देते हैं कि भैया आप देख लो क्या देना है। तो हम इसे एडिशन टू फी पेबल टू ऑडिटर भी कर सकते हैं, अगर हम उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है, हम उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो उसे दे देंगे। ऑडिटर ने जो भी बिजनेस के कनेक्शन में, काम के कनेक्शन में जो खर्चे किया, हम उसे दे देते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड एनी रेमुनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विस, मतलब वो कोई अदर सर्विस दे रहा है तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसने अपना काम करने के लिए कुछ किया है तो उसको जरूर देते, दैट इज फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हिम। तो इसी बात को मैंने आपको बताया। अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर के ऊपर दो टॉपिक आते हैं। पहला आता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, और एक है एक्सपायरी ऑफ टर्म। तो एक्सपायरी ऑफ टर्म वाला टॉपिक इसके थोड़ी देर बाद आएगा, और अभी हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म।
मतलब भाई साहब का टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है और हम उसे हटा रहे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हमारे दोस्त हर्षिल ने मुझसे पूछा था। भाई साहब टॉप 50 के मेंबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म या फिर 3 साल वाला जो प्रोविजन पहले पढ़ा था, क्या उससे पहले भी हटाया जा सकता है? आंसर इज यस। तो ये क्या कहता है ये प्रोविजन? ये कहता है कि मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, पहले रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर, 30 डे के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे? एक एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या करना है उनको, अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर ये कैसे होगा? तो ये AD2 नामक एक फॉर्म होता है, उसमें होगा। इसकी कुछ रिलेवेंट फीस भी होती है, वो भी पे करनी होगी। फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता है, क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हो जाता है, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर, सर लॉ वर्ड कहता है within 60 days, क्या कहता है, within 60 days। तो 60 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग रखी जाएगी। जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में ये लिखा गया कि हाँ ऑडिटर को हटा देना चाहिए, तो ऑडिटर को हटा दिया जाएगा। दैट इज बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है। बट एक सबसे बड़ी बात कि बिफोर एनी एक्शन, कुछ भी करने से पहले ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बींग हियर्ड, ऑफ बींग हियर्ड। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो भैया सिंपल सी बात है, हो सकता है ऑडिटर एक अच्छा इंसान हो, वो कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहता हो, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर जो आपकी मैनेजमेंट है या जो TCWG है, वो इसलिए ऑडिटर को हटाना चाहती हो क्योंकि ऑडिटर को पर्दे के पीछे की हकीकत पता चल गई हो। एक वर्ड याद रखना, पर्दे के पीछे की हकीकत, ये रहा पर्दा, इधर लिख लो पर्दे के पीछे की हकीकत। अगर ऑडिटर को पता चल गई है कि इस हकीकत में चल क्या रहा है, तो ये सब मिलके क्या करेंगे, ऑडिटर को कहेंगे मारो 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 मारो, निकालो 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 निकालो। लेकिन फाइनली हमें क्या करना है, एक बार सुनवाई का मौका देना है कि सच में ऑडिटर को क्यों निकाला जा रहा है, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू इस एरिया में क्या है। और अगर ऑडिटर सच में सही है, गलत पाया गया, सॉरी, अगर ऑडिटर सच में गलत पाया गया, ऑडिटर की कोई भी गिल्टी पॉइंट हुई, तो हम इसे निकाल देंगे। आपका स्टडी मेट क्या कहता है, ये आपको खुद से एक बार पढ़ लेना है, फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। फॉर्म AD2 फाइल होगा, ठीक है, और इसकी जो भी फीस होगी वो आपको देनी होगी। अप्लीकेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर, जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया जाएगा बोर्ड के, उसके बाद, तो मतलब बोर्ड के रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन चली जानी चाहिए, अप्लाई हो जानी चाहिए। फिर अगर आपकी जो कंपनी है वो जनरल मीटिंग होल्ड करेगी 60 दिन के अंदर अंदर, कब, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अप्रूवल दे देगी, और उस मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम ऑडिटर को बाहर कर सकते हैं। फिर सर एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको जरा ध्यान से आप लोग पढ़ना, मैं आपको हेल्प करता हूँ पढ़ने में कि इसका मीनिंग क्या होगा, वो समझाता हूँ कि भैया ट्रिब्यूनल चाहे तो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लीकेशन गई तो, या कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लीकेशन भेज दे तो, अगर इन तीनों को ऐसा लगता है कि जो ऑडिटर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद से कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, फ्रॉडलैंड, या कहीं शामिल है, या फिर किसी को करने में हेल्प कर रहा है, तो हो सकता है वो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा हो, या डायरेक्टर के साथ मिलके या ऑफिसर के साथ मिलके कोई छेड़ाखानी कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू बोल सकती है कि कंपनी अपने ऑडिटर को चेंज कर दे, कंपनी अपने ऑडिटर को चेंज कर दे, ये वाली बात क्लियर। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल को लगता है, सेटिस्फाई है कि भैया कोई भी चेंज करना चाहिए ऑडिटर के साथ, तो वो 15 दिन का समय देगी अप्लीकेशन फाइल होने के 15 दिन के समय के अंदर अंदर वो एक ऑर्डर पास करेगी कि ये ही शैल नॉट, ही मतलब होता है ऑडिटर, शैल नॉट फंक्शन, वो काम नहीं कर सकता एज एन ऑडिटर। क्यों? क्योंकि मेरा दिल जिस ऑडिटर पे फिदा है वो बेवफा है, वो बेवफा है, हमने उसको 15 दिन अब तो दिए है, क्योंकि ऑडिटर बेवफा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बाहर निकालेगी, ऑडिटर की जगह नया ऑडिटर ले आएगी, इन द सेंस वो पुराने वाले ऑडिटर को हटाएंगे और नए वाले ऑडिटर को ले आएंगे, ठीक है। और सुर पे मत जाना, भावनाओं पे जाना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को आ गया है गुस्सा, कंपनी को आ गया है गुस्सा, अब वो कह रहा है कि बेटा अब
ट्रिब्यूनल ने या आपके जो भी है उन्होंने एक फाइनल ऑर्डर पास किया आपके लिए, ठीक है, उसमें कह रही है शैल नॉट बी एलिजिबल। अब बेटा आप लायक ही नहीं हो टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, कहीं भी ऑडिटर अपॉइंट होने के। ओए कहाँ चला गया, ये देख रहे हो भाग्य पेज, इतना अच्छा रोमांटिक मौसम चल रहा था और ये इसने कहा कि अब आप ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट ही नहीं हो सकते किसी भी कंपनी में कम से कम 5 सालों तक। यानी 5 सालों तक आपको इन्होंने एक पनिशमेंट दे दी कि आप 5 सालों तक आप आगे दोबारा से कहीं अपॉइंट नहीं हो सकते। और उन्हें और गुस्सा आ गया आपके ऊपर, तो एक ऑर्डर ये भी पास हो सकता है कि अंडर सेक्शन 447 आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ठीक है सर, ये था इस ओवरऑल प्रोविजन में। और अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। ठीक है सर, भैया अब हमें अगला टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू करना है, 140 सबसेक्शन 4। ये क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब अभी जो ऊपर वाला केस आपने पढ़ा मेरे साथ उसमें क्या था कि आपकी एजीएम से पहले, टेन्यूअर से पहले आप किसी को निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, वो ये था जो अभी अब तक आपने पढ़ा। अभी आप जो पढ़ने वाले हो ये कह रहा है कि एक बंदे को हटा के हम दूसरे बंदे को रख रहे हैं और एजीएम के टाइम पे रख रहे हैं। अभी वैसे नहीं कि हम बीच में उसको कह रहे हैं कि हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम मैनर में बंदे को हटाने की बात कर रहे हैं। जैसे देखो सबसे पहली बात, आप मेरे साथ नोट बनाते हुए चलना। लेट सपोज आपकी एजीएम हुई, एजीएम में हम पूछ रहे हैं क्या टर्म पूरा हो गया, क्या टर्म पूरा हो गया। अगर ओवर हो गया है तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली अब हमें नया ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई फर्म हो। ठीक है, कोई तो कोई अपॉइंट करना ही होगा। अगर नॉट ओवर, अगर नहीं हुआ है, मतलब हमारा ऑडिटर का जो टर्म है वो अभी ओवर नहीं हुआ है, फिर क्या होगा, तो हम एक स्पेशल नोटिस शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम स्पेशल नोटिस कर रहे हैं बाय मेंबर टू कंपनी। एक मेंबर, मेंबर मतलब वो जो आपके शेयर होल्डर्स वगैरह है, वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी को एक नोटिस दे रहे हैं कि भैया पुराने वाले ऑडिटर को हटा दो। तो इसको हम कहते हैं स्पेशल नोटिस। क्या कहते हैं हम इसको, स्पेशल नोटिस। इस नोटिस में क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनो आप। इसमें हो सकता है, देखो इस पे स्पेशल नोटिस में क्या हो सकता है, पहली बात हो सकती है कि मिस्टर एक्स इज नॉट टू अपॉइंट, नॉट टू रीअपॉइंट बोलो आप, नॉट टू रीअपॉइंट, कि मिस्टर एक्स को दोबारा से आप मत लो। या फिर मैं कह रहा हूं मिस्टर वाई को ले लो, मिस्टर वाई टू बी अपॉइंटेड। क्या हमारे भाई साहब ऐसा कर सकते हैं, क्या हमारे मेंबर ऐसा कर सकते हैं, तो 100% ऐसा कर सकते हैं। मैंने शायद पार्ट 3 या 4 में आपको लास्ट स्टार्टिंग में एक पैरा पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था एक तो विलिंगनेस का पॉइंट मैंने कहा था कि ऑडिटर खुद चाहे तो छोड़ सकता है, फिर उसी में एक बताया था स्पेशल रिजोल्यूशन में मेंबर ऐसा कर सकते हैं। एक मेरा दोस्त है हर्षल, टॉप 50 का ही मेंबर है वो, उसने एक क्वेश्चन पूछा था आज मुझसे, सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि मेंबर टेन्योर से पहले हटा दें। हाँ जी हटा सकते हैं। ऑडिटर टेन्योर से पहले छोड़ दे, ऑडिटर छोड़ना चाहता है छोड़ सकते हैं, हाँ जी छोड़ सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। तो स्पेशल नोटिस में मैंने लिखा या तो मिस्टर एक्स अपॉइंट नहीं होंगे या तो मिस्टर एक्स की जगह कोई नया बंदा अपॉइंट होगा। ठीक है, ये बात आ गई, ये तो हमारी पहली बात थी जो अभी हमने ऊपर सीखा। दूसरे में हम क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो कहेगी नोटिस टू ऑडिटर। हम ऑडिटर को क्या कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में। क्या कर रहे हैं, लिखे जो खत तुम्हें तुम्हारी याद में। हमने क्या किया, उन्हें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया जिसमें हम रिजनेबल रिजनेबल फैक्ट्स बताएंगे कि क्यों हम आपको हटाना चाहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आया कि हम फिर ऑडिटर की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि भैया वो भी अब छोड़ रहा है और वो इन बातों से सहमत है जो हमने उसको बताए हैं, फिर ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा। फिर कंपनी का क्या काम है, कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी मेंबर को। नोटिस किसको देगी, मेंबर को, जिसमें फैक्ट्स ऑफ रिप्लाई बाय ऑडिटर, यानी जो ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन में कहा है उस रिप्लाई को मैं क्या करूंगा, एज अ नोटिस किसको देने वाला हूं, मेंबर को,
कि मेरी जो भी ऑडिटर से बात हुई है, मैं क्यों हटाना चाहता हूँ, क्यों ऑडिटर जाना चाहता है, इन बातों को मैं क्या करने वाला हूँ, मेंबर्स को बताने वाला हूँ, ठीक है। प्लस ये जो रिप्लाई ऑफ ऑडिटर की बातें हैं, ये मैं ऑडिटर को भी भेजूंगा कि भाई मैं यही वाला नोटिस भेज रहा हूँ, मेंबर्स को यही भेज रहा हूँ, आपको आपको भी पता होना चाहिए कि मैं आपके बारे में लोगों को क्या बोलने वाला हूँ। फिफ्थ पॉइंट आता है सर इसमें कि मान लो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी गई, डिले हो गया है, क्या हो गया, डिले हो गया है, समय नहीं बचा है कि हम भेजें, कंपनी डिफॉल्ट कर गई, कंपनी को भेजना चाहिए था रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मेंबर को, कंपनी ने नहीं भेजा, कंपनी ने मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, अब क्या करेगा? तो ऑडिटर को राइट है, ऑडिटर के पास क्या है, राइट है, क्या है, राइट है, किस चीज़ का राइट है, कि भैया मीटिंग में पढ़ो, मीटिंग में पढ़ो, कि वो जाए और मीटिंग में पढ़े कि भैया ये बातें थी जिसकी वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर के पास राइट टू बी हियर्ड भी है, राइट टू बी हियर्ड मतलब ऑडिटर को हम सुनवाई का मौका भी देंगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझ के अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आपको तो बदनाम नहीं कर दिया, वो जो लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी वही वाली बात, कि हम उसको सुनवाई का मौका देंगे कि भैया आप एक्सप्लेन करो। तो इफ रिप्रेजेंटेशन, लास्ट बात इसमें आती है, इफ रिप्रेजेंटेशन नॉट सेंट टू मेंबर, कि अगर आपने मेंबर्स के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी थी तो आपको एक कॉपी फाइल करनी होगी, फाइल कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन विथ आरओसी, किसको देनी पड़ेगी, आरओसी, ये कौन करेगा, ऑडिटर, ऑडिटर नहीं, ये काम कंपनी का होता है। अब जरा इसी को पढ़ते हैं, हमारा आईसीआई मॉड्यूल क्या कहता है, लेटेस्ट मॉड्यूल पेज नंबर 22 है। अरे यार कुछ तो इतने नालायक होते हैं सर, कहते पेज नंबर बता दो, भाई पेज नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कुछ बोलते सर नोट्स दे दो, अरे भाई पूरा स्टडी मेट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत तो कर लो यार, कहते तो रैंक लानी है, अटेम्प्ट निकालना है, थोड़ी सी मेहनत करोगे नहीं, सब कुछ हवा में थोड़ी ना होता है। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड, एक स्पेशल नोटिस चाहिए हमें, उसमें क्या लिखा हो, एट एन एजीएम मीटिंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब ये क्या हो गया, मिस्टर वाई को अपॉइंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स की जगह, और लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली, साफ साफ लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है वो दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है, और एक्सेप्ट, ऐसा कब हो सकता है, ये किसके एक्सेप्ट में है, कि भैया भाई साहब ने अब तक 5 साल भी कंप्लीट नहीं किए हों, या फिर फर्म के केस में 10 साल कंप्लीट ना हुए हों, सर ये बात तो आपने बताई नहीं थी, बताई थी ना, देखो अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि या तो उसका जो टेन्योर है वो ओवर हो गया, टर्म ओवर हो गया, ओके, नहीं हुआ, अगर उसका टर्म ओवर नहीं हुआ तो उसे स्पेशल नोटिस देने की जरूरत है, अगर टर्म ओवर हो गया है तब तो स्पेशल नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन है उसको मिलते ही द कंपनी शैल फॉरविथ सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द रिटायरिंग ऑडिटर, तो वो जो हमारी बात जनरल मीटिंग में डिस्कस हुई है उसका एक नोटिस हम ऑडिटर को दे देंगे, कहेंगे ऑडिटर जी ये लो, राणा जी माफ करना गलती ऑडिटर से हो गई, ये लो रिटायरिंग ऑडिटर जी, ये लो आपके खिलाफ हमने एक नोटिस फाइल हुआ है और उसके में ये लिखा हुआ है कि आप ऑडिटर नहीं बनोगे, वेयर नोटिस इज गिवन सच अ रेजोल्यूशन एंड द रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स विथ रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन, तो ऑडिटर इसके खिलाफ में क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेशन देगा इन राइटिंग किसको, कंपनी को, कि भैया नॉट एक्सीडिंग अ रिजनेबल लेंथ, मतलब ये नहीं कि पूरी रामायण लिख दे, नॉट एक्सीडिंग अ रिजनेबल लेंथ का मतलब कि रिजनेबल फैक्ट्स ही लिखे, जो काम की बात हो वही लिखे, ये नहीं कि अपना गाना गाना सुनो कर दे, मैं बहुत ईमानदार हुआ करता था, मैंने आज तक कभी कोई घूस नहीं ली थी, फिर भी मुझे हटा दिया गया। अबे तेरी राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट बता कि क्यों ऐसा हुआ, क्या आपसे सहमत हो नहीं सहमत हो, 4 लाइन में लिख के बताओ, ये नहीं कि पूरा रामायण गा दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो स्कूल भी जाते, उनकी फीस कैसे भरूंगा। नौटंकी नहीं चाहिए, क्लियरली बताओ क्या हुआ था, एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो जानकारी है वो मेंबर को देंगे कि भैया हम पुराने वाले ऑडिटर को हटा रहे हैं, और द कंपनी शैल अनलेस द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड बाय इज टू लेट फॉर इट टू डू, मान लो कि रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर की मिलनी थी वो बहुत लेट हो गई और हम नहीं कर पाए ऐसा, तो क्या करेंगे, इन एनी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन टू द मेंबर ऑफ द कंपनी स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैविंग बीइंग सीन हैव बीन मेड, मतलब जो भी फैक्ट आ रहे हैं निकल के ऑडिटर के रिप्लाई का और हमारे उसके ऊपर जो हम उस पर आरोप लगा रहे हैं आपको हटाने के लिए, उसका रिप्रेजेंटेशन हमें मेंबर्स को देना होगा कंपनी के द्वारा, ठीक है।
और फिर हम इसका एक रेजोल्यूशन पास जो जो भी रेजोल्यूशन आए उसको देंगे। फिर क्या कह रहा है वो, सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर। हम सारे मेंबर्स को क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन का नोटिस सेंड करेंगे। होम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंड, जिस सबको भेजा जाना चाहिए ये नोटिस, वेदर बिफोर और आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी। जैसे ही कंपनी को ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसके बाद ही भेजना चालू कर दो। एंड इफ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नॉट सेंड एज अफोरसेड, बिकॉज जैसा कि कहा गया है लेकिन कहने के बाद भी अब तक नोटिस सेंड नहीं हुआ है, इट वॉज रिसीव टू लेट, बहुत लेट हमें रिप्रेजेंटेशन खुद मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट, या फिर हो सकता है कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया इस वजह से नहीं गया, तो ऑडिटर में मतलब उसे विदाउट प्रिजिस टू हिज राइट टू बी हियर्ड ऑरली, हम उसे सुनवाई का मौका देंगे। हम कहेंगे कि भैया आप खुद से पढ़ के बोल सकते हो, या फिर हम कहेंगे आप खुद से पढ़ के बोल दो, या तो हम उसे सुनवाई का मौका देंगे ऑरली कि भैया आप बोल दो अपने दिल की बात, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, ऑडिटर मीटिंग में कहेगा सही। मतलब ऑडिटर को बोलने का पूरा मौका मीटिंग में दिया जाएगा। स्टूडेंट्स में नोट दैट, अब ये स्टूडेंट के लिए सेक्शन आ गया, अभी आप खुद से पढ़ लेना ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में सर हम 7 टॉपिक चालू करेंगे, सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिटर्स। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग 100% डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हो, ठीक है सर, बाय बाय।